तुमको क्वेश्चंस लिख रहे हैं सारे। हाँ ओके, देन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट 1 to 25। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, देन साथ में डिस्कस करेंगे। टेक 15 to 20 minutes का टाइम एंड देन वी विल डिस्कस सारे के सारे प्रॉब्लम्स। स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लैपटॉप का स्क्रीन में कुछ तो प्रॉब्लम है, वो फिर से मेरे को स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाए ना, C8 C8 क्रैश कोर्स इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डन स्क्रीनशॉट। ओके, तो 10:20 पे वी डिस्कस ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ओके,
हेलो डन। तो 5 मिनट और। ओके ठीक है। Okay, what is the answer of first one? A. Yes, good. What is the answer of second one? So first में doubt है. First में क्या doubt है? तो delta G negative होता है तब होता है spontaneous acceleration. तो delta G negative और self potential जो तुम्हारे पास वो positive. ए में तो अच्छा सॉरी ऑर्डर गलत है. व्हाट अबाउट नेक्स्ट सी कैसे अरे बच्चे गैल्निक सेल में क्या रिएक्शन होता है
गैल्वेनिक सेल में अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे क्या रिएक्शन होता है? एनोड पे ये रिएक्शन होता है ना गैल्वेनिक सेल में, यस नो? तो एनोड पे क्या आएगा? एनोड तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ना, यस? तो डी आएगा उससे, ठीक है? एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसके अंदर? गैल्वेनिक सेल में। और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में उल्टा हो जाता है साइन। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? डी, यस इट्स डी। जिसको डाउट हो वो पूछ लेना, डाउट नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। सी कैसे होगा? डी होगा एट ना। में डाउट है। एट में कैसे डाउट हो सकता है? क्यू इज इक्वल्स टू आई टी लिख, यस सर, उसी से आ जाएगा क्या? और कुछ 96/500 नहीं करना है सर यूज। क्यू इज इक्वल्स टू आई टी करना। तेरे को क्या देख के उसमें क्या करना है? नहीं सर, मैं वो 96/500 वाला नॉइस का इक्वेशन यूज कर रहा था, गलत हुआ। क्यों लिखेगा मैं जब मेरे को क्यू दे के रखा, आई दे के रखा, टी दे के रखा? हाँ सर, बच्चे वो टाइम सेकंड में आएगा ना यार, यस सर। इसने टाइम मिनट्स में पूछा है ना। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। यस सर। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? सी, गुड। डाउट है किसी को इसमें? ठीक मिनट, हाँ मेरा स्क्रीन लैग कर रहा है। यस यस हाँ सर। हाँ सर बस सेकंड क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम था क्या था? सर। मैंने टेक्स्ट बुक खोली एचएससी की, एचएससी में लिखा है कि एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड नेगेटिव इन गैल्वेनिक सेल। कहाँ लिखा एचएससी की टेक्स्ट बुक में लिखा है? क्या लिखा है? क्या हुआ? है, एचएससी की टेक्स्ट बुक में लिखा था कि एनोड मुझे इज, एक बार पिक्चर भेज दो, मैं देख लूंगा, ठीक है? अभी अगर ऐसा भेजू सर? कुछ भेज दो। हाँ अरे सर वो रॉन्ग लिखा रहेगा, वो बहुत सारा करेक्शन है। ठीक है। व्हाट इज द आंसर ऑफ 12th वन? 12th वन में आई थिंक करेक्शन है। ये आंसर आ रहा है 309 डाउट, 309 मिनट्स। एक्चुअल में रिएक्शन ये हो रहा होगा, देख लो यार। क्रोमियम +3 +3 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव क्रोमियम। ये अपने पास है 5 ग्राम, तो यहां से मोल्स ऑफ क्रोमियम आ जाएंगे। मोल्स ऑफ क्रोमियम आ जाएंगे 5/52, तो यहां से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 3 × 5/52। तो मोल्स इलेक्ट्रॉन के आगे तो चार्ज आ जाएगा तुम्हारे पास, 15/55 × 96500। ये कूलम्ब में चार्ज आ गया, इसको तुम लिख सकते हो I × T। तो 15 ×
96500 डिवाइडेड बाय 52 इज इक्वल्स टू, आई तुमको गिवन देके रखा है, आई है 1.5, इट्स 1.5 इनटू टी, यहां से टी निकाल लो, तो अगर तुम पहले उसके अभी सेकंड में आएगा बट मैं उसको मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा तो 309 मिनट्स काम क्या करेंगे 60 से फिर से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द आंसर इन मिनट्स। 52 तो है ही, जो कि ऑप्शन में नहीं था इसलिए मैंने बोला है कि तो वैसे डन। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन, किसको इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑब्टेन नहीं कर सकते हो? एजी को कैसे नहीं, एजी पे तो कर सकते हैं, एजी का तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मैग्नीशियम को नहीं कर पाएंगे ना। अगर तुमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है मैग्नीशियम का तो वहां पे मैग्नीशियम का रिएक्शन नहीं होगी, वाटर की रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम और वाटर में से वाटर का रिएक्शन होगा ना यार कैथोड पे, यस नो? तुम रीजन पूछ रहे हो, ये भगवान, एक्वस MgCl2 है, किसकी रिएक्शन होगी बताओ? अब SRP का टेबल या ऑर्डर याद करना है तो तुमको लिखवा के रखा है, तो देवी का H+ का रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम कौन से ऑब्टेंड होगा तुम बताओ? कैथोड पे तुम्हारे पास वाटर का रिएक्शन होगा एंड अगर वाटर का रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑब्टेंड ही नहीं होगा ना, यस? तो फिर नेक्स्ट यस वेरी गुड नेक्स्ट गुड नेक्स्ट एनोड पे पूछा है उसने, गुड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? वाटर का रिएक्शन होगा, तो वाटर पे एनोड के रिएक्शन से क्या मिलता है? 2 times of H2 it will give O2 plus 4 times of H+ plus 4 electron, तो ये एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, तो O2 ऑब्टेंड होगा। हाँ, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? What about next? Good. What about next? अगर तुमने इलेक्ट्रोड मर्करी का लेके रखा है तो सोडियम का रिएक्शन होता है, नहीं तो वाटर का होता है, बट मर्करी के इलेक्ट्रोड में सोडियम का रिएक्शन होता है और Na बनता है, NaHg के साथ कंबाइन होके NaHg का अमलगम फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट ए कैसे होगा यार, कॉपर है ना, कॉपर और वाटर में से कॉपर का रिएक्शन पहले होगा, कॉपर का SRP वाटर से ज्यादा है,
उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तुमको सीरीज लिखवाया होगा ना सर ने, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी कैथोड में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा। तो कॉपर और वाटर में से कॉपर जो भी रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारे पास कम होता है तो उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी, तो फिर कैसे गलत कर रहे हो आप? Now take a screenshot of that one, 21 से 52. Done. Well, done. ठीक है, अगेन 15-20 मिनट्स के बाद डिस्कस करेंगे।
हेलो डन हेलो ओके अच्छा नहीं हुआ। कितना टाइम चाहिए देवी का? ओके ठीक है, 5 मिनट्स, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके ओके व्हाट इज द आंसर ऑफ 28? सी ओके देवी का, वाटर का रिएक्शन लिखो, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे, फिर चार्ज निकालो, जैसे ही चार्ज निकालोगे उसके बाद हो जाएगा वो। ठीक है, चार्ज को आई इंटू टी के इक्वल करना। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? बच्चे लिथियम तो डिपॉजिट ही नहीं होगा ना, अगर तुमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, अगर तुमने कभी भी एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो लिथियम तो डिपॉजिट ही नहीं होगा, लिथियम की जगह तो वाटर का रिएक्शन हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, तो इसने पूछा है कि सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ द डिपोजिशन ऑफ मेटल एट द कैथोड विल बी। सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले ए यू होगा। यस
विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज बोला, इसका मतलब आंसर बी हो जाएगा. यस ठीक है. व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? सबको डाउट है, किसी का नहीं आया. ए अच्छा, लेट्स सी इसने क्या बोला है कि सी एल टू. देविका तुमको यार ये डाउट्स नहीं आने चाहिए, तुम्हारे पास ये रिएक्शन हो रहा है. और एनोड पे तुम ये लिख सकते हो, सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने बेटा. तो अभी तुम्हारे पास क्या है, इसने क्या बोल के रखा है, H2 5 लीटर है. तो अगर H2 5 लीटर है तो ये उसके मोल्स होंगे. यस यस नो. अच्छा तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 times of this thing. Yes. और सेम पूरे सेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो सेम ही होगा, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यस और नो? तो मोल्स ऑफ सी एल टू कितने होंगे, वो अपॉन हाफ हो जाएगा. यस बोलो देविका, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम 5 लीटर का है. एक रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स निकाले, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, उसका दूसरे वाले में यूज कर लिया. व्हाट इज द आंसर ऑफ 37? हे गुड. डाउट है किसी को? What is the answer of next one? 40th. A. ठीक है. Good. What is the answer of next one? H2 and O2. क्या है इसका आंसर? बी. नहीं 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 यार, चार्ज कितना पास हुआ है वो देखो. क्यू इज इक्वल टू आई. आई कितना है, 30, और टी कितना है, टी सेकेंड्स. ये चार्ज है. यस सी इज द करेक्ट वन. इसका आंसर सी है. तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, चार्ज अगर ये है तो मोल्स कितना हो जाएगा, 30 × 60 × 193 / 96500. यस यहाँ से कितना आएगा, ये बाय 1000 2 times 1/500, ये 0.9 आ जाएगा. यस बोलो. तो 2 times of H2O + 2 times of electron
इट विल गिव ये ठीक है थ्री पॉइंट सिक्स आ रहा है क्या अच्छा ठीक है 3.6 आ रहा है तो टू टाइम्स ऑफ एच टू इट विल गिव ओ टू प्लस फोर टाइम्स ऑफ एच प्लस प्लस फोर इलेक्ट्रॉन तो अगर ये 3.6 मोल्स हैं तो मोल्स ऑफ ओ टू कितना होगा अगर ये 3.6 है तो मोल्स ऑफ ओ टू कितना होगा इट्स 3.6 डिवाइड बाय 4 0.9 मोल्स यस और वही अगर सपोज मैं यहां पर बात करूं यहां पर एक मिनट यहां पर अगर ये 3.6 मोल्स हैं तो मोल्स ऑफ H2 कितने होंगे क्या वो 3.6 अपॉन 2 हो जाएगा क्या 1.8 मोल्स यस बोलो तो वॉल्यूम ऑफ H2 कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ H2 आ जाएगा 1.8 इंटू 22.4 एंड वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा 0.9 इंटू 22.4 वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा 2.7 इंटू 22.4 सॉल्व कर लो ये सबको क्लियर है ओके ऑप्शन बी रिएक्शन उल्टा क्या है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने से कुछ भी नहीं होता इनोट जो है वो तुम्हारे पास इंटेंसिव है एक्सटेंसिव नहीं है इनोट क्या है इंटेंसिव वो एक्सटेंसिव नहीं है डेल्टा जी नॉट जो है वो एक्सटेंसिव है तो हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी नहीं होगा रिवर्स किया है तो हाँ साइन चेंज डेफिनेटली हो जाएगा वो अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन इट्स बी ठीक है गुड फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज विल बी A. Good. What is the next one? C. Velocity या फिर आयनिक मोबिलिटी क्या होना चाहिए जो भी तुम यूज कर रहे हो सॉल्ट ब्रिज में उनका आयनिक मोबिलिटी ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए सेम हम्म
टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. Done. Really a screenshot till 66 तक करना है. Okay then.
डन हेलो डन ओके व्हाट इज द आंसर ऑफ 56th बोलो ए ए कैसे आएगा कुछ भी बी यस तो इक्वेशन क्या है इक्वेशन है तुम्हारे पास ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन इसका एन होगा 2 इंटू लॉग ऑफ जिंक 2+ अपॉन लॉग ऑफ ए जी प्लस यस इसको तुम क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हैं अपन वाई और इसको लिख सकते हैं ये पूरी टर्म्स जो हैं इसको लिख सकते हो वाई क्योंकि अपन वाई और एक्स में ज्यादा कंफर्टेबल है तो ई को इसको पूरे को क्या लिखा इसको लिखा वाई और ये जो पूरी टर्म्स है इसको लिख लो एक्स तो तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगा वाई इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू एक्स यस तो 0. ये तो क्या है स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या है नेगेटिव तो आंसर क्या आएगा अभी स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या है नेगेटिव और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वाई कितना आ रहा है वाई आ रहा है ई नॉट सेल ई नॉट सेल का मतलब 1.56 यस व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन ए कैसे होगा तीन सब्सटेंस है ना ये सी यहां पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन इसका मतलब ये तो एनोड पे होगा और कैथोड पे ये तीन आएंगे ना तो ये तीनों किस में सी एल माइनस एच जी और एच जी सी एल टू इट्स ऑप्शन सी ओनली नेक्स्ट इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन तो ये एनोड पे होगा Fe2+ Fe3+ ठीक है प्लेटिनम यस ठीक है Cr2O7 एंड Cr+3 यस रिडक्शन पोटेंशियल है ठीक डन बोलो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन 62 सी रिएक्शन लिख लो यार एनोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगा एनोड पे रिएक्शन होगा ये 2 times ऑफ Cl माइनस इट विल गिव Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा कैथोड पे होगा Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन इट विल गिव Ag अब इसको अपने को नेट रिएक्शन लिखना है तो नेट रिएक्शन के लिए क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और सिंपली ऐड कर दूंगा जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2 times ऑफ Ag+ प्लस 2 times ऑफ Cl- इट विल गिव 2 times ऑफ Ag+ Cl2 सी यस बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन डी यस गुड
इसका ई सेल क्या होगा? इसका ई सेल होगा, ई सेल विल बी ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ, जब तुम नेट रिएक्शन लिखोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि जिंक 2 प्लस ऊपर आएगा और कॉपर 2 प्लस नीचे आएगा। तो जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए और कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, तब मुझे ई सेल ज्यादा मिलेगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर, जिंक 2 प्लस सबसे कम किस में है, उसका रेशियो भी देख सकते हो। और तुम ये भी बोल सकते हो कि जिंक 2 प्लस एंड कॉपर 2 प्लस का रेशियो कम होना चाहिए, अगर ये कम होगा तो ई सेल ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे रेशियो 1 है, यहाँ पे भी रेशियो 1 है, यहाँ पे रेशियो 10 है, यहाँ पर रेशियो 1/10। तो सबसे ज्यादा आएगा 2 का, फिर आएगा 1 और 4 का सेम, फिर आएगा 3 का। यस यस नो, ठीक है, देन नेक्स्ट बोलो बी यस, क्योंकि अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूंगा तो ये रिएक्शन क्या होगा, ए जी प्लस सी एल माइनस एनोड पे ये रिएक्शन होगा, ए जी सी एल प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ए जी पहले 0 में था, ए जी अभी प्लस 1 में है, तो ए जी इज बींग एजी बिकम्स ऑक्सीडाइज बी। वॉट इज द आंसर ऑफ दिस वन? बोलो 66 डी नो, अरे नेट सेल रिएक्शन है ना, तो इसका ई सेल को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये ई सेल, ये नेट सेल रिएक्शन है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यस ए इज करेक्ट वन, ई नॉट एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एस आर पी ऑफ एनोड। तो कैथोड पे रिएक्शन कौन सा आ रहा है, कैथोड पे बिस्मित वाला रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे रिएक्शन तुम्हारे पास हो रहा है दूसरा वाला, ठीक है, तो ये कैथोड पे हुआ, तो कैथोड का कितना रिडक्शन पोटेंशियल है 0.32, एनोड का कितना है माइनस 0.23, तो नेट कितना आ जाएगा 0.55। नेट सेल रिएक्शन का मतलब तुमको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखने चाहिए, अगर कभी भी तुमको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब नेट सेल रिएक्शन है, उसके लिए यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला सिंपली। डन, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, एक मिनट, एक मिनट।
डन बोलो। ओके तो एंड 82 तक लिया ना तुमने, 83 तक लिया ना, नाउ 84 से लेके, एक मिनट, 84 से 102, इसका भी स्क्रीनशॉट है। डन क्या हो गया, 66, 66 तो कर लिया ना, तो 72 से लेके 102, तो अभी तुम ब्रेक भी ले लो 10 मिनट का, एंड उसके बाद अपन 12:15 के आसपास वी विल स्टार्ट, ठीक है? थोड़ा तब ऊपर तक ये थोड़ा प्रॉब्लम्स ऊपर करके रखो सारे। 84 के पहले वाले पे काम नहीं, क्या हुआ? 84 के पहले वाले। ये लो 84 से पहले वाले, थैंक यू सर। 12:15। ओके मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, मुझे बाद में याद दिलाना, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। क्या इसका आंसर, 72 का आंसर क्या है? डी। ओके किस किस से मिल सकता है अपने को, इसको और इसको ऐड कर लो तो अपने को मैक्सिमम, ये कैथोड की तरह एक्ट कर लेगा और ये एनोड की तरह। नेक्स्ट 73 सी, कुछ भी नहीं होगा, कॉपर के स्पून को स्टीर करेंगे एल्यूमिनियम में, नहीं कॉपर उसको एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। नेक्स्ट 75 75 नहीं, ना देखो इसका मतलब डी की रिएक्टिविटी सबसे कम है, तो डी सबसे कम रिएक्टिव है, डी सबसे कम रिएक्टिव है, इसका मतलब या तो आंसर ए होगा या फिर आंसर डी होगा, क्योंकि एचसीएल के साथ सिर्फ ए बी और सी ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक तो ये आइडिया लग गया कि डी की रिएक्टिविटी कम होगी। अब तुमको ए और सी में देखना है, तो मेटल ए जो है वो डज नॉट रिड्यूस ए प्लस, मेटल सी जो है, मेटल सी जो है उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा बोलो, ए का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा सी से, यस यस नो, अगर वो डिस्प्लेस कर लेता मेटल सी, अगर रिड्यूस कर लेता ए प्लस को तो फिर सी का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, इसे नहीं कर रहा इसका मतलब उसका है, और डी का सबसे कम है तो आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट 2 कैसे, कॉपर 2+ CuSO4 Ag, Ag ज्यादा इस Ag जो है वो ज्यादा, वो लेस रिएक्टिव है ना, तो क्या एजी उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कॉपर जो रिएक्टिविटी जो है, तुमको रिएक्टिविटी जो है वो किसका ज्यादा है, सॉरी कॉपर का ज्यादा है, तो Cu2+ + 2 Al2 Cu, तो Ag जो है कॉपर 2+ को नहीं कर पाएगा, कॉपर जो है वो Ag2+ को कर लेता, अगर AgNO3 होता और उसके अंदर कॉपर होता तो स्टीर करते तो तुम्हारे पास रिएक्शन हो जाता, पर अभी रिएक्शन नहीं होगा। यस बोलो।
हाँ देवी का ऐसे बोल सकते हो तो रिएक्टिविटी कॉपर का ज्यादा है तो एजी उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर एजी का सॉल्यूशन होता और कॉपर होता तो फिर तुम डिस्प्लेस कर सकते थे, अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट का आंसर क्या होगा? अगेन गलत, डी का आंसर यस। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सी। सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब अगर मैं ए की बात करूं, ए इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द डी, ए जो है वो डी को तो क्या कर देता है, ए जो है वो डी को तो डिस्प्लेस कर सकता है। तो रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, ए डी को तो कर सकता है, तो रिएक्टिविटी जो है ए का डी से तो ज्यादा होगा और बी और सी को नहीं कर रहा है, तो बी और सी को नहीं कर रहा है इसका मतलब जो रिएक्टिविटी ए का होगा वो बी से कम होगा और रिएक्टिविटी ए का होगा सी से भी कम होगा। और इसने बोला है कि सिर्फ ओनली सी ही एचसीएल के साथ रिएक्ट कर रहा है, सिर्फ सी ही कर रहा है, तो बी और सी में अगर कमेंट करूंगा तो रिएक्टिविटी सी का ज्यादा होगा बी से। तो ऐसा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है डी। डिस्प्लेस कौन करेगा? जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो दूसरे वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा। दैट्स इट, क्लियर? ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ 82? क्या आंसर आएगा 82 का? ए यस। किसी को डाउट है इसके अंदर? हाँ देवी का बोलो क्या हुआ? इसका लॉग वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि इसका आंसर ये होगा? यस नो। पक्का इसका और इस रिएक्शन का इसका ई नॉट क्या होगा? इसका ई नॉट सेल क्या होगा? इसका एनोड सेल होगा कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का जीरो माइनस एनोड, एनोड कितना है माइनस 0.277, तो यहां से आ जाएगा प्लस 0.277 वोल्ट। यस बोलो। ठीक है तो यहां से कितना आ जाएगा 0.277 × 2 अपॉन 0.059 is equals to log k। ये ठीक है तो ऐसे log k कितना आया? इसको सिंप्लीफाई करके बताओ log k कितना आया? 0.554। डिवाइड करो ना उसको, पूरा फाइनल वैल्यू बताओ मुझे। ठीक है। अब लोगों को यहाँ पे डाउट आता है कि इसका एंटी लॉग कैसे निकाले। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर तुमको एंटी लॉग निकालने को कोई बोले ना तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि अगर लेट से तुम्हारे पास क्या आया, लॉग के इज इक्वल टू 9.38 आया, तो या तो तुम क्या बोल सकते हो, या तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि के कितना होगा, के होगा तुम्हारे पास 10^9.38, बट और उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 10^0.38 × 10^9, बट इसका वैल्यू भी नहीं दे के रखा है क्वेश्चन में,
इसके कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का सिंपल फंडा सुनो क्या है। आई थिंक मैं पहले भी बता चुका हूँ बट ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग ऑफ के को क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 + 0.38 यस और नो। और आई होप 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 10 की पावर 9, 9 को ऐसे 0.38 को क्या लिख सकता हूँ, 0.38 को log 2.4 लिख सकते हो, क्योंकि log 2.5 जो होता है ना, log 2.5 कितना है, log 2.5 है log 5/2, तो वो है log 5 माइनस log 2, तो वो है 0.7 माइनस 0.3, तो 0.4 के आसपास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो वैल्यू है ना उसको लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 9.38 को 9 + 0.38 लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसको तुम लिख सकते हो लॉग तो आंसर क्या आ जाएगा इसे, ए। वैसे नेक्स्ट वाला सॉल्व करोगे इससे भी आंसर आ जाएगा ए। व्हाट इज द आंसर ऑफ 84th? बोलो बी। नहीं क्या आया यार, रिएक्शन लिखो 2 times of Ag+ + 2 times of Cl-, ये हाफ सेल रिएक्शन है सिर्फ, तो अगर तुम इसका एक्सप्रेशन देखोगे तो E = E0 - 0.059/2 ln(1)concentration of Cl-2 आएगा। यस बोलो, अब सीएल माइनस की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे इसको क्या करना है, ये डिक्रीज करूंगा तो ये वाला क्वांटिटी इंक्रीज होगा, अपने को इनॉट सेल बढ़ाना है ना, अपने को चाहिए इनॉट सेल बढ़े तो ये वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, तो तुम सीएल माइनस को डिक्रीज करो, इसको डिक्रीज करोगे तो ये वाला क्वांटिटी इंक्रीज होगा, उससे तो काम नहीं चलेगा, इसको क्या करो, इसको इंक्रीज करो, सीएल माइनस को इंक्रीज करूंगा तो ये वाली क्वांटिटी कम आएगी। यस ये वाली क्वांटिटी कम आएगी तभी तो ई सेल ज्यादा होगा। यस तो अपने को सीएल माइनस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यस बोलो, What is the answer of this one? 92. Yes, see. किसी को डाउट है 92 में? 92 में किसी को कुछ डाउट है? बोलो
-0.57 -0.059 अपॉन इसका एन है 4 इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH- माइनस का पावर 6। ये ठीक है सार्थक? पी ऑफ OH 2 दे के रखा है तो OH- माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 2। तो यहां से तेरा ई आ जाएगा -0.57 -0.059 अपॉन 4 इंटू लॉग 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 12 आएगा। उसको मैं 10 की पावर 12 लिख सकता हूँ, सॉरी OH माइनस का कंसंट्रेशन ऊपर आएगा, सॉरी माय बैड, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का पावर 6। तो ये ठीक है सार्थक? और 12 अगर आगे आएगा तो ये तेरा ये आ जाएगा, सॉल्व करेगा तो इसको तेरा डन। बोल बोल, सही है क्या ये? ओके देन नेक्स्ट बी, कैथोड कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एनोड कंपार्टमेंट से, तभी सेल क्या होता है, तभी डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, अदरवाइज वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। कैथोड कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एनोड कंपार्टमेंट से, तभी जो होगा तुम्हारे पास सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। नेक्स्ट बी, यस सारे ये तो क्लास इलस्ट्रेशन ही हैं। नेक्स्ट, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? ए, यस यस व्हाट इज द आंसर ऑफ 99? डी इसका एन कितना होगा? इस रिएक्शन का एन कितना होगा? एन निकाल लिया तो फिर काम हो जाएगा। इसका एन आएगा 14, 14 भी क्या, सॉरी 4, हाँ 7/2 × 4 इसका एन आएगा 14। ऑक्सीजन जीरो में है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में है, तो अगर मैं O2 की बात करूं तो दो ऑक्सीजन है वो -2 में जाए, उसमें चेंज दो का है, तो O2 के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी भी अगर O2 H2O में जा रहा है, जीरो से अगर -2 में जा रहा है, तो उसके साथ जो N एसोसिएटेड होता है ना वो 4 होता है। तुम ये वाली रिएक्शंस भी देख सकते हो, 2 times of H2O इट विल गिव O2 प्लस 4 times of H++ 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 mole ऑफ O2 के साथ, अगर O2 का स्टोइचियोमेट्री 1 है तो इलेक्ट्रॉन का स्टोइचियोमेट्री 4 होता है, तो O2 के साथ 4 इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड रहते हैं। यहाँ पर कितना है, 7/2 O2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड रहेंगे, 14, तो यहाँ पर इसका एन 14 होगा। क्या ये सबको क्लियर?
यहाँ पे एन कितना है 14 इंटू एफ कितना है, एफ है 96500 इंटू ई नॉट को ई नॉट ठीक है. व्हाट इज द नेक्स्ट व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन. What is the answer of next one? B. ये तो कर सकते हो ना यार, ई नॉट से ई सेल तुमको देख के रखा है, ई नॉट सेल तुमको पता है. एक मिनट, ये ठीक है बोलो. तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है, इसका आंसर मुझे भी देखना चेक करना है. इसे थ्री आ रहा है, सॉल्व करोगे तो इसे थ्री आ रहा है. आई माइनस का कंसंट्रेशन क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 0.1. डन बोलो. 101 को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, 101 ये फॉर्मूला सबको पता होगा, मेटल मेटल इनसॉल्युबल इज इक्वल टू मेटल मेटल सॉल्युबल प्लस 0.059 अपॉन एन इनटू लॉग ऑफ केएसपी. यस ठीक है, तो यहां से तुम लिख सकते हो इट्स 0.34 प्लस 0.059, इसका एन कितना होगा 2 इंटू लॉग ऑफ केएसपी कितना दे के रखा है, केएसपी है 10^-35. कर लोगे इसको सॉल्व.
-0.694. What is the answer of 102? A. ये भी मुझे चेक करना होगा यार. इसको लिख सकते हो मेटल मेटल इनसॉल्युबल ना, तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल मतलब -0.248 -0.126 +0.059 अपॉन इसका एन कितना है 2 इनटू लॉग ऑफ केएसपी. देखो यहाँ से लॉग ऑफ केएसपी कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, चेक करो एक बार. -4.13 आ रहा है, -4.13. तो उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -5 + 0.87. यस -5 को ऐसे लिख सकते हैं log 10 to the power -5. 0.9 होता है log 8, तो ये log 7.7 के आसपास मान लो, 7.7 7.8 मान सकते हो. तो ये आ जाएगा log of KSP = log of 7.7 × 10 to the power -5. तो यहां से KSP आ जाएगा 7.7 × 10 to the power -5. ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर अपने को पता है, तो आंसर विल बी ए. डन. इतना ही दिया था ना मैंने. नाउ टेक ए स्क्रीन, एक मिनट. ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. इतना स्क्रीनशॉट लो. 106 से 119 साथ में डिस्कस करेंगे सारा. डन स्क्रीनशॉट. हाँ नोट्स भेजूंगा यार. टेक 20 मिनट्स और ये सारे सॉल्व करो, उसके बाद डिस्कस करेंगे.
डन. हेलो या व्हाट इज द आंसर ऑफ 106? बोलो सी. आंसर चेक करना होगा यार, ठीक है एक मिनट रुको. हाँ माइनस आ रहा है ना, माइनस आएगा. यस तो नन ऑफ दीज आ जाएगा. ठीक है क्लियर है सबको ये वाला पार्ट. नेक्स्ट ए, इसका ई नॉट कितना आ रहा है? माइनस 1. ये आ रहा है क्या? माइनस 1.695 आ रहा है. सॉरी 1.6 क्या 2. समथिंग. इसका क्या आर क्या है ये बताओ. ये नेट रिएक्शन है ना, ये नेट सेल रिएक्शन है. यस इसका ई नॉट कैथोड माइनस एनोड लिख सकते हो. तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ये कैथोड पे हो रहा है. तो कैथोड पे होगा तो इसको कैसे लिखोगे? 1.185 माइनस एनोड पे. एनोड पे कितना आया? माइनस 1.51. यस कैथोड माइनस एनोड करोगे तो यही आएगा ना. बोलो. तो फिर जैसे कितना आ रहा है ये नॉट 1.185 प्लस 1.51 2.695 इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ के. ये क्लियर है? ये 91.35 आ रहा है यार. लॉग के माइनस 91.35 आंसर सी आ जाएगा. यस निकालने की भी नीड नहीं है आगे फर्दर. यस बोलो नेक्स्ट. अगर ये कंसर्न इसको अज्यूम कर सकता हूं मैं कंसंट्रेशन से. इसको क्या कर सकते हैं? अज्यूम कंसंट्रेशन सेल. तो कंसंट्रेशन सेल अज्यूम करूंगा तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? क्या ई सेल का एक्सप्रेशन ये आएगा क्या? 0.059 अपॉन 1 इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस कैथोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस एनोड. यस
अच्छा एजी प्लस कैथोड को क्या लिख सकते हो? एजी प्लस कैथोड को तुम लिख सकते हो यहाँ पर 0.059 अपॉन 1 इंटू लॉग ऑफ कैथोड। कैथोड के लिए क्या लिख सकते हैं? केएसपी ऑफ एजी सीएल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस किसका? कैथोड का इंटू, इसको लिख सकते हो एजी प्लस ऑफ एनोड को केएसपी ऑफ AgCl into concentration of Cl minus किसका? Anode का। यहां से KSP से KSP cancel out, तो यहां से कितना आएगा 0.059 upon 1। into log of concentration of Cl minus anode upon log of concentration of Cl minus cathode। yes मेरे को क्या चाहिए? डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, ई सेल पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कब आएगा? जब कंसंट्रेशन Cl माइनस एनोड का ज्यादा होगा कंसंट्रेशन Cl माइनस कैथोड से। Cl माइनस जो एनोड का कंसंट्रेशन है वो है C2, तो C2 शुड बी ग्रेटर देन C1। इट्स C। यस नेक्स्ट। नेक्स्ट का आंसर डी। और किसी का आंसर आया क्या? बोलो। नेक्स्ट किया है नहीं किया है? हेलो क्या और किसी ने सॉल्व नहीं किया है क्या ये? इसको बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तो एन मिलेगा। वॉल्यूमेट्रिक में बैलेंस करना सीखा होगा ना तुमने? यस, तो बैलेंस कर लो, तो बैलेंसिंग हो गया। अब कर लोगे? बोलो। तो ये कितना आएगा? 42/6 7 7 into 0.059 0.0414। ये सही है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आंसर सी। इसका एक फॉर्मूला होगा। यस बोलो। ठीक है 28.95 सही है। नेक्स्ट, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं। यस, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कैटलाइज्ड बाय, किससे कैटलाइज होता है रस्टिंग ऑफ आयरन? मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है, एसिडिक मीडियम में। यस नो,
तो आंसर क्या हो जाएगा? H plus ions, yes. Which of the following is the highly corrosive salt? It is the A. ये D and F block में I think नहीं, D and F block में नहीं कहीं तो अपन ये पढ़ते हैं, ये ध्यान रख. Hg2Cl2 is the highly corrosive salt. Zinc acts as a sacrificial or the cathodic protection to prevent the rusting of iron. Zinc को क्यों use करते हैं? क्योंकि उसका बोलो oxidation potential ज्यादा है, reduction potential ज्यादा. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का ज्यादा होता है, रिएक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एफिस. यस टेबल से आएगा वो. यार टेबल एनसीईआरटी में होगा, वहां से देख लो यार बच्चे, मेरे पास नहीं है. ठीक है चलो, सार्थक को याद रखना है Hg2Cl2 हाईली कोरोसिव सॉल्ट होता है, वो याद रखना है. एक ये मत करो, ये दोनों छोड़ो, ये बताओ ये दे के रखा है 0.013, 1/r तुमको दे के रखा है, r तुमको दे के रखा है कितना 300, 1/ρ इज इक्वल टू कापा, कापा तुमको गिवन था 0.0 इंटू एल अपॉन ए. तो यहां से एल अपॉन ए कितना आ जाएगा, कितना आएगा एल अपॉन ए? थ्री पॉइंट नाइन सेंटीमीटर इनवर्स. यस ये तुमको क्लास में यार सर ने एक्सप्लेन किया होगा, इसका एक्सप्रेशन निकाला होगा तुमने. यस बोलो. चेक करना बी ऑप्शंस होगा. लास्ट प्रॉब्लम, कापा दे के रखा है, सॉलिबिलिटी तुमको निकालना है. तो लैम्डा नॉट इंफिनिटी इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन एस. यस ये ठीक है. क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कापा इनटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट एम. लैम्डा नॉट एम कितना हो जाएगा, क्या वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा क्या? बट ये मोल पर लीटर में आएगा, अपने को चाहिए सॉलिबिलिटी ग्राम पर लीटर में. तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके मॉलिकुलर मास से, जो कि 188 है. तो आंसर विल बी सी. यस खत्म. और कुछ डाउट है तो बोलो.
और किसी को कुछ डाउट? ओके देन, चलो बाय।